नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें कि सीमा हैदर जैसा केस लगातार अपने देश में बढ़ता ही जा रहा है। वो अभी अपना जिंदगी, अपना जीवन उस सुख चैन से जी रही हैं, लेकिन अभी जो तहलका मचा हुआ है वो है राजस्थान। राजस्थान से एक लड़की जो अंजू थी वो अभी छोड़ के पाकिस्तान में जा चुकी है और ऐसे जगह पे जा चुकी हैं जहां पे वो बुरी तरह फंस गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अभी 17 साल की नाबालिग लड़की एयरपोर्ट पे बरामद की गई है, उसको पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता रहे हैं कि जब लड़की से पूछा गया कि तुम पाकिस्तान कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला कि पाकिस्तान में लाहौर जिले में मेरे माँ बाप और मेरे घर वाले रहते हैं, मेरा परिवार रहता है। मैं 3-4 साल पहले अपने बुआ के साथ यहाँ पे आई थी। ऐसी घटना बताई जा रही है, लेकिन मैं आपको पूरी घटना जानकारी में देती हूँ। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान पहुंची। अंजू के बाद एक और मामला नया सामने आया है। राजस्थान के सीकर के पास रहने वाली नाबालिग लड़की पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंची थी। यहां पर CISF के जवानों ने उसे पकड़ लिया और एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान में उसका परिवार रहता है, वह उसके पास जाना चाहती है। दरअसल सीकर के पास श्री माधोपुर की रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंची थी। जब उससे टिकट मांगा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद CISF ने उसे पकड़ लिया और एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे थाने ले गई। पूछताछ में नाबालिग ने कहा कि वह पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ पर आई थी और पुलिस ने उससे पाकिस्तान जाने का कारण पूछा तो नाबालिग ने कहा कि पाकिस्तान के लाहौर में और उसके पास जो इस्लामाबाद है वहां पे मेरा परिवार रहता है, वह उनके पास जाना चाहती है। पुलिस को नाबालिग के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि 3 साल पहले श्रीमाधोपुर में रहने वाली उनकी बुआ पाकिस्तान से साथ लेकर आई थी, अब उसे अपने परिवार के पास जाना था, इसीलिए पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट आई थी। मामले पर जानकारी देते हुए DCP ईस्ट ज्ञानचंद्र यादव ने कहा कि नाबालिग खुद को पाकिस्तान की रहने वाली बता रही है, यहाँ पर अपनी बुआ के पास रहती थी। पूछताछ में उसने बताया कि बुआ को बचाए बिना वह पाकिस्तान जाने के लिए बस में बैठकर सीकर से जयपुर आई। DCP ईस्ट ज्ञानचंद्र यादव ने आगे कहा कि नाबालिग के मुताबिक बस में उसे 2 लड़के मिले थे जो बुआ के गाँव के पास के रहने वाले हैं। मैंने उन लोगों से जयपुर एयरपोर्ट आने के लिए मदद मांगी थी, इसलिए वो दोनों मुझे यहां तक छोड़ गए। DCP ईस्ट ज्ञानचंद्र यादव ने कहा कि नाबालिग से जानकारी लेकर उसकी बुआ के परिवार से संपर्क किया गया और हमें नाबालिग के पास कोई भी कागज नहीं मिले हैं। महिला केंद्र की कर्मचारियों ने भी नाबालिग से अच्छे से पूछताछ की। ATS और IB की टीम को भी जानकारी दी गई है, वहीं वह लोग भी नाबालिग से पूछताछ करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से और जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।